हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पाइथन की सीरीज में पाइथन फंक्शंस देखेंगे। इसके पहले के टॉपिक लूप्स, इफ एल्स। तो आज बेसिक पाइथन में ये पाइथन का लास्ट वीडियो होगा, पाइथन फंक्शंस। इसके बाद जो भी सारे टॉपिक होंगे वो एडवांस पाइथन के हैं, उसके लिए मैं अलग से सीरीज बना दूंगी, अलग से पूरी प्ले लिस्ट होगी पाइथन की। तो आज हम पाइथन फंक्शन की सीरीज से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पाइथन फंक्शन क्या है। अब फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट्स कॉल। फंक्शन क्या है कि आप कोई भी टास्क करते हो, समझ लीजिए आप कोई टास्क कर रहे हो, तो फंक्शन कब ही परफॉर्म होगा, जब उसको आप टास्क दोगे। आपने प्रोग्राम में जैसे आपने कोई वर्क दिया किसी को, आपने उसको बोला कि हाँ ये काम करना है, तभी वो करेगा, राइट। तो उसी तरह से फंक्शन भी है। सिंपल फंक्शन को आप समझ सकते हो कि सब प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर आप कोई सब प्रोग्राम लिख रहे हो उसे बोलेंगे फंक्शन, राइट। अब फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट्स कॉल। इसके दूसरे क्या है, दूसरी डेफिनेशन ये है कि अगर जब उसको आपको किसी चीज़ को कॉल कराना है या रन कराना है तब आप फंक्शन लिखते हो। एक कोड है उसे बोलते हैं फंक्शन। यू कैन पास डेटा नोन एज पैरामीटर इनटू फंक्शन। तो इस फंक्शन के अंदर आप बहुत सारे डेटा पास कर सकते हो, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट। पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट सेम ही है, आप फंक्शन के अंदर उसको पास कर सकते हो। तो देखिए फंक्शन जनरली क्यों यूज़ होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने प्रोग्राम लिखा, मैं भी इसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, उसमें आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो अभी जस्ट यहाँ सिंपल बेसिक मैं आपको बताती हूँ कि फंक्शन आप कोई प्रोग्राम करा रहे हो, राइट। उसमें आपको एक कोड है, जैसे आपने लूप यूज़ किया होगा, राइट। तो आप लूप क्यों आई प्रोग्राम करने के लिए, लूप इसलिए आई कि आपको 1 to 10 प्रिंट कराना है या 1 to 100 प्रिंट कराना है। तो आप बार बार प्रिंट लिखते थे पहले लैंग्वेज में कि हाँ हमने बार बार प्रिंट 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 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3 ऐसे करके 10। तो आपको कितना लंबा चौड़ा कोड लिखना पड़ता था, राइट। तो उसके बाद लूप का यूज़ आ गया कि लूप में आप लिख दो, लूप का इस तरह से सिंटैक्स आ गई, लूप में आपने लिख दिया, राइट। आप एक ही बार लिखते थे। उसी तरह से फंक्शन है कि फंक्शन क्या है, सब प्रोग्राम है कोड के अंदर का, कि आपने आपको अगर एक ही चीज़ बार बार कॉल करानी है, आपको एक ही चीज़ या ध्यान से सुनिए, आपको एक ही चीज़ बार बार कॉल करानी है, तो आप एक बार जस्ट फंक्शन में लिख दो। उसके लिए जो सिंटैक्स आती है मैं भी आप बताती हूँ, आप एक बार जस्ट लिख दो और उसके बाद जो सिंटैक्स आती है उस पर उसके साथ में लिख कर कॉल करा दो, तो आपको बार बार प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। आप क्रिएट कर सकते हो फंक्शन के साथ। इससे क्या होगा कि आपके जो रिड्यूस हो जाएगी, प्रोग्राम की लेंथ भी रिड्यूस हो जाएगी, आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी कोडिंग भी देखने में अच्छी लगेगी। कोडिंग को एकदम क्लीन और नीट बनाने के लिए फंक्शन का यूज़ होता है। तो देखिए फंक्शन को क्रिएट कैसे करना है। इन पाइथन इन फंक्शन इज डिफाइन यूजिंग द डेफ कीवर्ड, इसको डेफिनेशन बोलते हैं, राइट। तो ये डेफ कीवर्ड आपको स्टार्टिंग में लगाना है फंक्शन को क्रिएट करने के लिए। देखिए ध्यान से सुनेगा, जस्ट क्रिएट करने के लिए आपको डेफ कीवर्ड लगाना है। क्या लगाना है, def, डेफिनेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो डेफ खाली आपको वहाँ पे लिखना है def। ये कीवर्ड लगाने के बाद जस्ट ये आपने क्रिएट कर दिया फंक्शन डेफ। अब फिर उसके बाद आपको कॉल करा देती हूँ पाइथन में, मैंने इसका प्रोग्राम किया है। तो ये देखिए क्रिएट कैसे करना है फंक्शन को उसके बारे में। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्रिएट किया, ये फंक्शन मेरा क्रिएट किया हुआ है, होप सो आपको दिख रहा होगा। तो देखिए स्क्रीन पर मैंने क्या लिखा है, ये मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है, फंक्शन का प्रोग्राम बनाया है, जो सिंपल दो लाइन में आपको समझाने के लिए कि फंक्शन क्या होता है। तो देखिए डेफ कीवर्ड मैंने बोला था यूज़ करना है डेफ, उसके बाद में यहाँ पर जो आपको फंक्शन, यहाँ ये जो मैंने माई फंक्शन लिखा है ना, इसकी जगह पर आप कुछ भी दे सकते हो, अपना जो भी नाम हो उस हिसाब से। देखिए इसके रूल होते हैं फंक्शन के लिखने के, डेफ कीवर्ड तो है फंक्शन का, ये कीवर्ड है डेफ, राइट। यहाँ पर जो आप लिखोगे माई फंक्शन, ये जो लिखा है मैंने, इसको आपको वेरिएबल के जो रूल्स थे ना, वेरिएबल मैंने पढ़ाए, वो सेम ही रूल है फंक्शन के, राइट। तो उसी फंक्शन का ध्यान देते हुए आपको यहाँ पर आपका फंक्शन यहाँ पर कॉल कराना है। तो देखिए मैंने लिखा है डेफ माई फंक्शन, फिर यहाँ पर दो ब्रैकेट लगा दिए हैं, फिर डॉट कर दिया। ये आपका हो गया पूरा फंक्शन आपका क्रिएट हो गया है। देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा है, यही पाइथन में अच्छा है, आपने जो लिखा है वो आपको बता देगा उसके अंदर पूरा कि क्या कैसे आपने डिफाइन किया, वो सारी डिटेल में आपको दिखा देता है। तो उसके बाद मैंने लिखा है प्रिंट हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने अभी इसको कॉल नहीं कराया है, जस्ट मैंने फंक्शन क्रिएट किया है कि मेरा माई फंक्शन करके कोई
ये फंक्शन है उसके अंदर ये वाला जो ये प्रिंट हेलो फ्रॉम अ फंक्शन लिखा है ना मैंने, ये पूरा इसके अंदर स्टोर है माई फंक्शन के अंदर। तो ये जब कब तक कॉल नहीं होगा, इसका नेक्स्ट जो है वो कॉल कराने का फंक्शन का है, ये कब तक कॉल नहीं होगा जब तक आप यहाँ नीचे नहीं लिखोगे माई फंक्शन। तो देखिए मैंने जस्ट इतना लिखा, इसके बाद मैं रन कराती हूँ तो देखिए क्या आउटपुट आता है। तो देखिए मैं रन करा रही हूँ रन फंक्शन। तो देखिए मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, खाली ये मेरा जिस फाइल में जहाँ पर स्टोर है वो उसका नाम आ रहा है और प्रोसेस फिनिश विथ एग्जिट कोड 0। तो देखिए मेरी यहाँ को एरर नहीं है बट मेरा ये आ रहा है प्रिंट हेलो फ्रॉम अ फंक्शन, तो ये इसके अंदर भी स्टोर है पर मैंने अभी क्या इसको कॉल तो कराया ही नहीं है, जस्ट क्रिएट किया है, फंक्शन क्रिएट किया है। इस तरह से आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हो और उसके अंदर वैल्यू अपनी स्टोर करा सकते हो। बट अभी इसको आउटपुट में लाने के लिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा माई फंक्शन। और यहाँ पर दो कॉलन राइट। अब ये हो गया, अभी देखिए मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। ये आपने अब कॉल करा दिया तो उसके अंदर जाके स्टोर हो गई वैल्यू, तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। देखिए अभी ये मैं रन करा रही हूँ तो देखिए क्या आ गया आउटपुट, जब आपने कॉल कराया राइट तब आया आपका हेलो फ्रॉम अ फंक्शन, जो मैंने प्रिंट में लिखा था उसी तरह से आ गया ना अपना हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। ये करना पड़ेगा आपको कि आपने जो ये माई फंक्शन लिखा है ना डेफ के अंदर, यहाँ पर जो आप फंक्शन दे रहे हो उसको आपको दोबारा से कॉल कराना पड़ेगा तभी आपका आउटपुट आएगा। वो तो जस्ट क्रिएट करने के लिए मैंने ये दो लाइन का लिखा था, जब आपको अगर कॉल कराना है तो ये आप लिखो। कॉल कराने के लिए आपको बार बार इस जो आपने जो फंक्शन दिया है ना डेफ कीवर्ड के बाद, यहाँ पर आप अपनी मर्जी का कुछ भी दे सकते हो, बस आपको रूल्स के ध्यान में रखना है, उसी रूल्स के साथ आपको यहाँ पर फंक्शन देना है। तो देखिए मेरा आ गया आउटपुट। तो इसी तरह से फंक्शन क्रिएट करना है, फंक्शन क्रिएट करने के लिए आपको डेफ कीवर्ड का यूज़ करना है और उसके अंदर यहाँ पर आपको फंक्शन का नाम देना है, फिर डबल ब्रैकेट में, फिर यहाँ पर दो कॉलन, इतना आपको ये सिंटैक्स याद रखना है और इसी तरह से आपको प्रोग्राम लिखना है। तो देखिए नेक्स्ट मैं बता देती हूँ। तो देखिए फंक्शन कॉल हो गया हमारा, कॉल फंक्शन करने के लिए हमको क्या नीचे लिखना था, ये जो डेफ माई फंक्शन को कॉल, माई फंक्शन को आपको नीचे लिखना पड़ेगा तो ही आपका आउटपुट आएगा जो आपने प्रिंट में लिखा है। तो नेक्स्ट देख लीजिए आपको आर्ग्यूमेंट्स कैसे देनी है आपके प्रोग्राम में। इन्फॉर्मेशन कैन बी पास इनटू फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है तो आपको आर्ग्यूमेंट तो उसको देनी पड़ेगी, उसी हिसाब से आप इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हो ना। तो उसको कैसे देते हैं फंक्शन के अंदर वो देख लेते हैं, अभी मैं प्रोग्राम में ही डायरेक्ट आपको समझा दूंगी। आर्ग्यूमेंट आर स्पेसिफाई आफ्टर द फंक्शन नेम इनसाइड द पैरेंथिसिस, यू कैन ऐड एज मेनी आर्ग्यूमेंट एज यू वांट, जस्ट सेपरेट देम विथ अ कॉमा राइट। तो आप जितनी चाहो उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, जस्ट खाली क्या करना है आपको कॉमा के साथ उसको सेपरेट कर देना है और पैरेंथिसिस के अंदर लिखना है। अभी प्रोग्राम में आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जस्ट देख लीजिए आर्ग्यूमेंट का नाम किसे देना है, एफ नेम से स्टार्ट होना चाहिए। देखिए जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने अभी जो प्रोग्राम किया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इसमें मैंने एफ नेम से स्टार्ट किया है, आपकी मर्जी है, आप किसी से भी कर सकते हो। When the function is called, we pass along a first name which is used inside the function to print the full name, right? तो आपको जो भी नाम function के अंदर करना है उसका F या तो आपको उसका first name से ही call कराना है argument के अंदर, right? देखिए मैं आपको program में direct लेके चलती हूँ। देखिए ये तो हमने create करने वाला देख लिया था function कैसे create करना है, तो आप देख लीजिए argument कैसे create करना है function के अंदर। तो मैंने आपको बताया था ना कि फंक्शन का यूज़ करके किस तरह से आप रिड्यूस कर सकते हो उसकी रीडेबिलिटी। तो देखिए देखिए मैंने यहाँ पर डेफ कीवर्ड का यूज़ किया है, माई फंक्शन लगाया है, फिर मैंने माई फंक्शन यहाँ देखिए यहाँ पर आपको लिखना है उसका फर्स्ट नेम का वो लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर दिया है एफ नेम, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट आपको पास करनी है इस जगह पर, दिख रहा है ना आपको डेफ माई फंक्शन के बाद यहाँ पर जो आप ब्रैकेट लगा रहे हो इसी को बोला है पैरेंथिसिस के अंदर आपको कोड लिखना है और ये दो कॉलन राइट। तो इसके अंदर आपने लिखा, ये आपने आर्ग्यूमेंट पास कराई एफ नेम करके, यही जाके आप आगे आपकी वैल्यू स्टोर करेगी। तो देखिए मैंने प्रिंट में क्या लिखा है, प्रिंट एफ, देखिए मैंने क्या लिखा, प्रिंट एफ नेम प्लस
यहाँ पर जो मेरा वेरिएबल मेरे को इसके साथ जोड़ना है, जो नेम ऑब्जेक्ट मुझे इसके साथ जोड़ना है एफ नेम के साथ, वो मैंने लिख दिया राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पर, देखिए मैंने बार बार यहाँ पर प्रिंट एफ नेम प्लस रेफरेंस, बार बार डेफ माई फंक्शन मैंने क्लियर नहीं किया है, बार बार डिक्लेयर नहीं किया है। अगर मैं ये फंक्शन का यूज़ नहीं करती, देखिए माई फंक्शन का यूज़ मैं यहाँ पर नहीं करती और डेफ कीवर्ड का यूज़ नहीं करती, तो मुझे ये एफ नेम के साथ में ये जो लिखा है ना ईमेल टॉबिस लिनस, ये बार बार ये तीन चार लाइन का कोड मुझे बार बार लिखना पड़ता। पर ये जो फंक्शन की वजह से ये खाली यहाँ पर मैंने डिक्लेयर कर दिया है माई फंक्शन। देखिए जस्ट इस फंक्शन की वजह से यहाँ पर मैंने माई फंक्शन दिया और उसके अंदर मैंने वैल्यू अपनी डिक्लेयर कर दी, माई फंक्शन दिया और वैल्यू डिक्लेयर कर दी राइट। उसके बाद मैंने खाली एक ही बार प्रिंट किया और ये जो मेरी सारी ये तीनों वैल्यू है ना, मैंने ये सारी कहाँ स्टोर हो गई, इस एफ नेम के अंदर। तो आपको बार बार ये जो पूरा कोड है वो रन कराने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट यहाँ पर कॉल करा दो माई फंक्शन, फिर आपका जो नेम क्रिएट करना है वो कर दो, फिर देखिए माई फंक्शन जो नाम क्रिएट करना है वो कर दो माई फंक्शन। इस तरह से आप बहुत सारे जितने आपके हैं फंक्शन और भी नेम हो, जैसे आप कोई डेटाबेस बना रहे हो राइट, डेटाबेस बना रहे हो उसके अंदर आपने नाम लिखा, यहाँ पर मैं अपना नाम दे देती हूँ भावना लिखा राइट। उसके बाद आपको मेरे नाम का एड्रेस फ़ोन नंबर इस तरह से बहुत सारी डिटेल आपको उसके अंदर डालनी है, तो यहाँ पर आप बार बार प्रिंट नहीं कराओगे। फंक्शन का यूज़ करके आप कोड को बहुत आसानी से, आप कोड लेस कोड में आप इजीली माई, देखिए आप फंक्शन का यूज़ करके आराम से एक ही लाइन में जस्ट कॉल करा दीजिए यहाँ माई फंक्शन करके, ये मैंने इसके अंदर लिखा है ना। तो आप यहाँ पर मैंने अपना नाम दिया भावना, उसके बाद यहाँ पर मैं एड्रेस लिख दूंगी, फ़ोन नंबर लिख दूंगी, जो जो मेरी सारी डिटेल है वो सारी खाली माई फंक्शन के अंदर कॉल करा दूंगी। तो देखिए मैं इसका आउटपुट मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, एक ही लाइन में सारा आ जाएगा। तो देखिए ईमेल रेफरेंस टॉबिस रेफरेंस लिनर्स रेफरेंस, ये देखिए सारा आ गया एक ही लाइन में, बार बार प्रिंट नहीं कराना पड़ा मुझे। अगर मैं फंक्शन का यूज़ नहीं करती तो मुझे ये जो प्रिंट है ना बार बार लिखना पड़ता, जितनी बार मैंने इसको लिखा है ना माई फंक्शन को कॉल कराने के लिए, ये पूरा कोड मुझे बार बार लिखना पड़ता। तो यही यूज़ है फंक्शन का, कि फंक्शन का यूज़ करके आप कोड को बहुत आराम से और बहुत क्लीन और नीट बना सकते हो। देखिए मैं बार बार इसको लिखती तो कोड पूरा कॉम्प्लेक्स हो जाता राइट। तो इसी तरह से आप फंक्शन का यूज़ करके आराम से इजी वे में बना सकते हो। तो ये था फंक्शन के बारे में। तो देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन बहुत सारे हैं, पाइथन बिल्ट इन फंक्शन पाइथन की लाइब्रेरी में ही अवेलेबल है बहुत सारे फंक्शन, उसका यूज़ करके आप आसानी से कोड रन करा सकते हो। फिर पाइथन रिकर्जन फंक्शन है, एडवांस लेवल का है पाइथन लैम्डा फंक्शन, और फिर पाइथन यूज़र डिफाइंड अपने हिसाब से, जैसे मैंने अभी दिया ना माई फिर डैश करके नेम, उसी तरह से वो यूज़र डिफाइन हो गया फंक्शन, आप अपने हिसाब से फंक्शन का नाम दे सकते हो। बिल्ट इन फंक्शन लाइब्रेरी से यूज़ कर सकते हो, लैम्डा फंक्शन यूज होता है मैथ्स के लिए, मैथ्स के जितने आपको अगर मैथ्स का कुछ कर रहे हो तो आप उसका फंक्शन यूज़ कर सकते हो राइट। तो ये सारे डिटेल में मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे टॉपिक बना दूंगी। तो ये थे सारे बेसिक टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं, फंक्शन हो गया, लूप्स हो गया, इफ एल्स हो गया, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स सारे मैंने कवर कर दिए हैं। तो आज से पाइथन का बेसिक जो था वो कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू।